नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भू रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोग सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। राष्ट्रपति आज दिल्ली में 2023 के भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के बाद समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि डिजिटल इंडिया देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है और आज दुनिया के कुल डिजिटल लेनदेन का 46% भारत में हो रहा है। भूमि सम्मान पुरस्कार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को प्रदान किए गए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश की डिजिटल इकोनॉमी बहुत विस्तृत हुई है। विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस के 46% भारत में होता है। आज देश के सभी हिस्सों में लोग बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर पा रहे हैं। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। आज का ये कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स तथा लैंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके निवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने युवाओं के चरित्र निर्माण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सैनिक स्कूलों की सराहना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पूर्व छात्र हैं। उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले कैडेट सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की अंडर 14 फुटबॉल टीम के सदस्य हैं, जो असम के गोलपाड़ा में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेकर लौट रहे हैं। इस चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उपराष्ट्रपति ने टीम के सदस्यों को उनकी सफलता पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। छात्रों से हुई आत्मीय मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने स्कूल के दिनों की अपनी यादों को ताजा किया और स्कूल के दिनों के कई रोचक किस्से साझा किए। उन्होंने छात्रों से सुझाव मांगे कि वे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए टर्मिनल से यात्रा, व्यापार और संचार में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में समावेशी विकास का नया मॉडल विकसित हो रहा है। विकास का ये मॉडल बड़ा ही व्यापक और इसमें प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सहित जीवन के सभी पहलुओं का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री ने रक्षा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भारत के युवाओं की क्षमता की सराहना की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश के विकास के प्रति समर्पित रहें। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी विकास कार्यों से समूचे क्षेत्र को और बल मिलेगा। जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है। मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सबके लिए लाभकारी हो। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली।
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का आज सवेरे बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शोक जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व खो दिया जो लोगों की सेवा के लिए समर्पित था। केरल की प्रगति में उनके योगदान और राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र पर उनके प्रभाव को हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर शोक जताया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ओमन चांडी एक दूरदर्शी नेता थे जो केरल के विकास के प्रति अपने अटूट समर्पण और उल्लेखनीय विनम्रता के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ओमन चांडी के निधन से दुखी हूँ। हमने एक विनम्र और समर्पित नेता खो दिया जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया और केरल की प्रगति के लिए काम किया। मुझे उनके साथ अपनी विभिन्न बातचीत याद है, खासकर जब हम दोनों हमारे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम करते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक संदेश में कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। एक जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के रूप में जनता के विकास और कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदना। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।